मर्यादा में आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ तो रेलवे एग्जाम के लिए मैथ देखे। पहला क्वेश्चन सरल कीजिए, 5 का क्यूब इंटू 27 इंटू 10 का क्यूब भाग 5 की घात 6 इंटू 3 की घात 2 इंटू 4। तो इधर देख लेते हैं दोस्तों, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 27 इंटू 10 की घात 3 है दोस्त, 10 की 10 इंटू 10 इंटू 10 कर लेते हैं। इधर 5 की घात 6, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 तो 3 चला जाएगा 5 की घात से, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 3 या 9, 9 3 27। अब 5 2 बार 5 2 बार 5 2 बार 2 2 4 4 से 4 चला गया, 3 2 6 6 आ जाएगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, यदि 200 का 18% अक्ष है तो अक्ष का मान 200 का 18/100 बराबर अक्ष 2 0 से 2 0 8 9 36 अक्ष बराबर 36। आगे देखिए दोस्तों, एक बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 12 सेमी और 10.5 सेमी, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर व्यास 3, व्यास 12, 12/2 इंटू आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू 10.5, ये 0 ये तो लग जाएगा, 2 से 11 बार, ये 2 से 6 बार, ये 21, ये 2 2 से 3, 7 से 3 21, 11 33 इंटू 12 36, 108, 1188। आगे देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि पहली संख्या में 40 5 पहली और दूसरी 50 कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, अनुपात सेम रहेगा दोस्तों। पहली संख्या में 40% की वृद्धि, 40 50 का 40% 20 मतलब 70 हो जाएगा। दूसरी संख्या में 15% की कमी, 80 80 का 15% 12 12 की कमी कर देंगे दोस्तों, तो 68, तो नया अनुपात 70 का 35 और 64 का 34, 35:34। आगे देखें दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, 24 42 और 56 का लघुतम समाप्ति, 24 42 और 56, 6 6 से नहीं जाएगा दोस्तों, 4 4 से भी नहीं जाएगा, 2 से, 12 21 और 28, 3 से 3 3 चौक 12, 3 7 21 28, 7 से जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7 7 चौक 4, से 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4, 7 चौक 28 इंटू 3 2 6, 8 6 6 8 2 48, 4 6 2 12, 12 और 4 16 168 आ जाएगा दोस्तों इनका एलसीएम। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरल कीजिए, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 2 का क्5 8 प्लस 2 का क्यूब 8 इंटू 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7 9 अंडा 72 इंटू 7 7 दुनी 14 1 7 7 49 50 500 4। आगे देख, सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3600 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज 840 रुपये, तो वार्षिक ब्याज दर 840, कितने वर्ष का, 3 3 वर्ष में कितने महीने, 12 या 36 महीने और 1 और 4 महीने मतलब 40 महीने का यह है, तो 12 महीने का क्या होगा, 0 से 0 4 3 12 84 इंटू 3 भाग 36 पूरी धनराशि इंटू 100, 0 से 0 चला जाएगा, 12 या 36 12 87 84, 3 से 3 7%। आगे देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या क्या है, 11.75 के बराबर है, कितना प्रतिशत, 23.5, तो संख्या क्या होगी, तो 2 0 से हटा देंगे दोस्तों, 2 0 लगा देंगे, 1 हटा देंगे, 1 0 आ जाएगी, 0 से 0 चला जाएगा, 11.75 0 भाग 23.2335, लगभग 5 बार जाएगा दोस्तों, 50 50 होगी वो संख्या। आगे देखिए दोस्तों, नौवां क्वेश्चन, एक पुरुष किसी काम को 20 दिन में, एक मैन किसी काम को 20 दिन में और एक वुमेन किसी काम को 30 दिन में, लघुतम आ जाएगा दोस्तों 60 20 30 60 30 दुना 60, तो 2 पुरुष 3 इंटू 2 प्लस 3 महिलाएं, 3 इंटू 2 3 दुनी 6 प्लस 6 12, 60 काम 12 की स्पीड से कितने दिन में, 5 दिन में कर देंगे दोस्तों। आगे देखें दोस्तों, दसवां क्वेश्चन, एक वर्ष की परिधि 308 है, वर्ष की परिधि होता है 2 इंटू, वर्ष की परिधि 2 पाई आर होती है, 2 इंटू 22/7, आर बराबर 308 दोस्तों,
ग्यारह दुना बाईस, ग्यारह ग्यारह अठासी, चार सात इंटू सात, आर इस आर बराबर उनचास, आर बराबर उनचास। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटा सात आर स्क्वायर उनचास इंटू उनचास, सात से सात 22 इंटू सात 154 इंटू उनचास, नौ चौक 36, तीन नौ पंजे 45, तीन 48, चार नौ चार 13, चार चौक 16, एक चार पंजे 20, 21, दो चार एक चार एक पाँच, छः आठ से 14, एक तीन एक चार पाँच, पाँच एक छः, छः हजार 546 मीटर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल। आगे देखिए दोस्तों, ग्यारह क्वेश्चन 95 भाग 15 माइनस 34। तो पहले अंदर भाग दिया 36, 36 18 माइनस 4 बट्टा 36 इंटू 9, 9 चौक 36, 4 से 4 चला जाएगा दोस्तों 18, 34 भाग 18 इंटू 2, 2 से 9 बार 34 भाग 9 माइनस 95 बटा 15, ये दोस्तों 5 से 3 बार ये 19, तो 19 बटा 3 माइनस 34 बटा 9, 9 का 9 3 गुनी 30 57 माइनस 34, 57 में से 34 चला जाएगा 34, 16 और 7 16 और 7 23, 23 बटा 9। आगे देखें दोस्तों 12वां क्वेश्चन, ए प्लस बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंक की संख्या 45, 23, ए 60, बी 15 से विभाजित हो, 15 से विभाजित होने के लिए संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, 5 से विभाजित होने के लिए संख्या के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए बी की जगह 5, 45, 23, ए 6, 0, 5 अधिकतम मान। और अब अपन तीन से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग या तो जीरो, संख्या के अंकों का योग या तो जीरो या तीन, या तीन से विभाजित होना चाहिए, तो चार चार और पाँच नौ हो जाएगा दोस्तों, ये छः हो जाएगा, तीन और पाँच तीन दो पाँच, पाँच दो दस, दस में तीन चला जाएगा दो आ जाएगा दोस्तों, दो भी आ सकता है दोस्तों या आठ भी आ सकता है, आठ अधिकतम मान चाहिए अपन को दोस्तों आठ, तो संख्या हो जाएगी 45, 23, 8, 605। धन्यवाद दोस्तों।